एमपी अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर परिपत्र जारी, 20 जुलाई तक देनी होगी जानकारी। कर्मचारी 20 जुलाई तक अभ्यावेदन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रार जनरल के पास उपलब्ध करवाएं। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी एमपी एम्प्लॉयज लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे हैं। पदोन्नति को लेकर कई बार बैठकें भी आयोजित की जा चुकी है। कुछ विभागों में कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एमपी हाई कोर्ट के मुख्य पीठ के रजिस्ट्रार द्वारा कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए परिपत्र जारी किया गया। इस संबंध में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यदि कर्मचारी प्रमोशन नहीं चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, इस पर भी विस्तृत जानकारी प्रेषित की गई है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति नहीं चाहते हैं वह कर्मचारी इसके लिए 20 जुलाई तक अभ्यावेदन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रार जनरल के पास उपलब्ध करवाएं। बाद में किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11 जनवरी 2008 के नियम 4 और 24 जनवरी 2008 की खंडिका 13 के मुताबिक पदोन्नति का त्याग करने वाले अधिकारी कर्मचारी किसी भी तरह से समय मान वेतनमान का लाभ पाने के अधिकारी नहीं रहेंगे।